हाय गाइस, वेलकम टू माय घरेलू नुस्खे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी आटा भूनना, यानी गेहूं का आटा कैसे भूने। ये देखिएगा, मैंने 1 kg गेहूं का आटा ले लिया है। अच्छे से छान के साफ करके मैंने इसको जो है कढ़ाई में चढ़ा लिया है। 1 kg आटा मैंने लिया है। अब इसको धीरे धीरे से मैं भूनती रहूँगी। इसे नीचे से इस तरह से आपने अपनी करछी को चलाना है ताकि यहाँ पे ये लग ना जाए और जल ना जाए, नीचे कढ़ाई में ना लग जाए, और अगर लगेगा तो हमारा जल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। इसे जल्दी जल्दी से जो है हमें चलाते रहना है इस तरह से। जब हम इस तरह चलाते रहेंगे तो धीरे धीरे से धीरे आंच पे रखते हुए इसे हमें भून लेना है। ऐसे हमें कम से कम 20 मिनट लगेगी। इसको 1 kg आटा है इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे ही चलाते हुए हमारा जो है ये धीरे धीरे से आटा भुन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिएगा, अब हमारा ये भुन करके हल्का भुन गया है और अभी थोड़ी देर में हमारा भुन के ये तैयार हो जाएगा। पहले से आप देख सकते हैं ये कुछ लालपन इसमें आ गया है और इसमें अच्छी धीमी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है जब ये भुन के तैयार हो जाता है। ये देखिएगा, हल्का ब्राउन कलर इसका आ गया है, अभी अच्छे से तैयार नहीं हुआ है। अब जो है हमारा ये आटा भुन करके तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा आटा भुन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, इस तरह से आप अपना आटा यदि भूनना चाहते हैं तो इस तरह धीमी आंच करके आप आटा भून सकते हैं। बिल्कुल भी जलेगा नहीं और ख़राब भी नहीं होगा और अच्छा स्वाद आएगा। यदि आप इसके लड्डू या कोई भी आइटम्स बनाएंगे तो बहुत स्वाद आएगा ऐसे आटा भुना हुआ। थैंक यू।